आपको लगा कि सीजन टू को वही हाइप और फेम मिली जो वन को मिली? मेरा ख्याल है कि जब एक चीज़ नई आती है उसको ज़्यादा हाइप मिलती है। बिल्कुल। सीज़न टू में थोड़े से मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जो थी, एक तो वहाँ पे कुछ शूटिंग पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कुछ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप नहीं बता सकते हो रहे हैं, तो वो थोड़े से मसाइल का भी शिकार हुआ। लेकिन लोगों ने जिनको प्यार था उनको जो थी इकरा सीढ़ियों पे जाती है, विग लगी हुई है तब भी अच्छी लग रही है, नीचे उतरती है नहीं लगी हुई तब भी अच्छी लग रही लेकिन है। हमने पॉइंट किया था हर एपिसोड पे, हम कहते थे इतनी कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम्स हैं कि उनके कॉन्स्टेंटली बाल चेंज हो रहे हैं। सीजन थ्री की भी बहुत डिमांड थी जो लोग पसंद करते थे, तो वो ना लिखने की क्या वजह थी? उसकी ना लिखने की एक कोई, मैं बताऊँ कि कोई बड़ी वजह नहीं थी। मैं भी थोड़ा सा हो गई थी कि हमें कोई थोड़ा डिफरेंट काम करना चाहिए। थोड़ा डायरेक्टर या राइटर्स के ऊपर ये चीज़ें नहीं होती जब तक आपको प्रोडक्शन हाउस से या प्रोड्यूसर्स नहीं कहते ना। तो अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं मिला। जब मिलेगा तो फिर जहाँ से शाख टूटी है वहीं से शाख वो आगे नहीं चल पड़ेगी। आपको लगता है कि शुपके शुपके या शलेबी के सीक्वल्स का कोई पॉसिबिलिटी है या चांस बन सकता है? हम अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि हाँ अभी देखें 12 मेरे ख्याल एपिसोड्स हुई हैं उनकी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आगे क्या होता है तो मुझे ऐसे नहीं, वैसे मुझे लगता है कि सीजन्स वगैरह लिखने थोड़े टफ है ना। राइट। क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं, नई चीजें क्रिएट करना, नए कैरेक्टर्स बनाना वो ज्यादा। आपको क्या लगता है ऑडियंस को कुछ करना आसान है या मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। हमारी ऑडियंस जो है बहुत मुश्किल है, जो छोटी छोटी चीजों पर इतराज करती है। यकीन माने अभी तक क्या आपको लग रहा है चुपके चुपके में क्या इतराज हो रहे हैं? आप ऑब्वियसली आप बड़ी बड़ी एक्टिव हैं, आप मैं आपके तो पोस्ट देख रही होती है इंस्टाग्राम पे, आप लगाती रहती हैं सारे। आपको क्या लग रहा है कि क्या फीडबैक, कौन सी फीडबैक ऐसी है जिससे आप पढ़ के आपको हैरानगी होती कि अच्छा ये भी लोग नोट कर रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं था? अच्छा मुझे लगता है कि लोगों ने मेन फोकस जो है वो आयजा को किया हुआ था। अच्छा। आयजा की एक फैन फॉलोइंग है, लोग उसको बहुत लाइक भी कर रहे हैं। कुछ थोड़े बहुत जो थे जिनको थोड़ा लग रहा है कि नहीं ये कैरेक्टर जो है वो कम उम्र जो है लड़की है उसके ऊपर होना चाहिए था वो है। इसके अलावा जो लोगों ने मैसेज भेजा कि आयजा जो है वो बिल्कुल अनसुटेबल है नॉट एट ऑल, और आयजा जो है वो ऐसे लगता है जैसे कि नॉर्मली नहीं है वो लड़की। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं ऐसा लग रहा है, मुझे वाकई जेन्युइनली ऐसा नहीं लग रहा है, मैं बहुत पसंद कर रही हूँ उसको। लेकिन लोगों ने वाकई बहुत उसको इस नज़र से देखा कि ये बहुत बड़ी लग रही है इस कैरेक्टर के लिए। देखिए लोगों को आप सारे के सारे लोग तो खुदा से खुश नहीं है ना, हम इंसानों से कहाँ होंगे। तो मुझे ये लगता है कि लोगों ने अपने जहनों में ना कुछ कैरेक्टर्स का वो बना लिया है। वैसे भी आयजा ने अभी जो किया था मेरे पास तुम हो, उसके बाद जब वो एकदम से बबली टाइप कैरेक्टर करे के आए करने आएगी सॉरी, तो वो उनको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन मुझे, मैं बताऊँ, मुझे फुल ऑफ वो लगती है एनर्जी है उनके अंदर। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा ही कैरेक्टर मैंने लिखा था, वैसा ही वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्रिटिक की हम बात कर रहे थे कि जो लोग आपको मैसेज करते हैं या जो आपके फैंस हैं जो देख रहे हैं, उनकी कौन सी बातें आपको अजीब लगती हैं? ऐसे कोई मैसेजेस आए आपको कि आपने पढ़ के कहा कि ये सही कह रहे हैं, ये फॉलोअर्स सही कह रहे हैं, और ये फॉलोअर्स ये क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। मुझे आपको बताऊँ कि पर्सनली सिर्फ एक मस्कीन का कैरेक्टर जो था उसके ऊपर थोड़ा वो लोगों ने मुझे कहा है, अदरवाइज बाकी जो थे उनके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की। कोई आपके खुद में ऐसी चीज़ है, अगर आप सोचें कि मैंने लिखा चुपके चुपके पिछले साल, अब चल रहा है, पॉपुलर भी हो गया है, नंबर वन ट्रेंड भी है, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप भी है, मगर ये चीज़ मैं बदल देती, ये मैंने ये गलती हो गई मेरे से है, इसका मतलब है कोई ऐसी बात है आपके जहन में? चले साइमा जी बता ही दें फिर। मुझे लगता है कि शायद थोड़े से मुझे कैरेक्टर्स कम कर लेने चाहिए थे। अच्छा। एक ये, और या फिर थोड़ा सा मुझे जब मैंने ड्रामा स्टार्ट हुआ था ना, तो एक उस स्टाइल में स्टार्ट करते कि एक फैमिली का इंट्रोडक्शन एक दूसरे का ना, लोग थोड़ा सा जो कंफ्यूज हुए शुरू में, उनको समझ नहीं आ रही थी कि कौन किसका क्या लगता है। तो वो एक थोड़ा सा वॉइस ओवर के जरिए अगर हम स्टार्ट में कर देते कि ये है बेबे का घराना, इसमें ये लोग रहते हैं, तो ये है अम्मा का घराना ना, वो थोड़ा सा लोगों ने शुरू में तंग किया था कि ये इसका क्या लगता है, इसका क्या लगता है। वो मैं लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करवाना चाह रही थी, जरा गौर से देखे तो इनको समझ आए। थोड़े से मुझे लगता है कि कैरेक्टर हम कम कर सकते थे, लेकिन ह्यूमर जो है उसी वक्त आता है जब सारी फैमिली बैठी होती है। तो ऐसा सच मुझे कोई ऐसी वो नहीं लगी। और इश्क जलेबी में, इश्क जलेबी में कुछ लफ्ज हैं जो कि ना मैं जो मेरी आम लाइफ में मैं बोलती हूँ, जो शायद मेरी एक पर्सनैलिटी का हिस्सा है। मसलन
वो थोड़े से ना मुझे लगता है कि मुझे उन चीज़ों को थोड़ा रिपीट नहीं करना चाहिए, या थोड़ा पंजाबी के कुछ लफ्ज़ हैं ना, नहीं अभी एकदम से मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन कुछ है लफ्ज जो कि मैं खुद भी बोल रही होती हूँ ना, तो वो लिखते वक्त आपको ध्यान में नहीं होता, नहीं होता कि रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल रिपीट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज तो जबरदस्त चल रहे हैं दोनों ड्रामे, कोई इसका नहीं है। आगे का क्या प्रेशर है, कोई अभी अभी से कोई बात हो रही है अगले रमजान की, या अभी अभी आपने कहा है बस? मैं वैसे सच बताऊं, मैं रमजान से ना थक गई हूं। आपने कहा बस मैं रहने दे, और वो इसलिए कि पूरा साल लग जाता है इसके अंदर। आप जो है लाइट मूड की चीज़ लिखना बहुत बहुत मुश्किल काम है। आप मुझे कहेंगे ना रुलाना है किसी को, मैंने तीन तीन महीनों में भी आपको पूरा सीरियल करके दे दूंगी। अच्छा, आप सीरियस चीज़ लिखना बहुत ईजी है। राइट, अब ना लाइट चीज़ में जब आप इश्क जलेबी को देखें, इतना सेंसिटिव टॉपिक है, जब एक सीन बड़ा हैवी हो जाता है उसके अंदर, अब मैं कुछ जुमला डालूं, कुछ मूवमेंट करूं, कुछ ऐसी चीज़ करूं कि लाइट हो जाए, बिल्कुल, तो वो एक एक सीन के ऊपर उसके ऊपर मेहनत करना पड़ती है, फिर उनके उनके कनेक्शन जो है वो जोड़ने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है लाइट मूड बहुत मुश्किल है, लेकिन लोगों ने, सही बात है। अब मैं आपको बताऊं कि अभी मुझे इंडिया से एक ऑफर आई है बहुत अच्छी जो है, तो वो बताएं ना, और बताएं इंडिया के ऑफर के बारे में बताएं, अब हमारे राइटर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं, बड़ी बात है। तो वो उन्होंने मुझे एक वेब सीरीज के लिए और एक सीरियल के लिए अप्रोच किया। अच्छा। बल्कि सुनो चंदा के बाद से कर रहे थे, लेकिन मैं उस टाइम पे इतना विलिंग नहीं थी, मुझे नहीं लगता था कि मैं उनके हाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि मैं उनके अपने पंजाबी सिनेमा की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे उनकी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, उनकी स्टोरी नेटिंग बड़ी अच्छी लगती है। तो अब जो उन्होंने मुझे कहा है कि अभी चुपके चुपके के जब टीजर्स आए हैं, तो उसके बाद फौरन उन्होंने मेरे साथ रूम पे मीटिंग की और कहा है कि थोड़े से हालात ठीक होते हैं तो फिर हम दुबई में बैठते हैं। आप बताना चाहेंगी कि कौन सी प्रोडक्शन हाउस? नहीं, अभी उन्होंने नाम अनाउंस करने से थोड़ा मना किया है, तो वो लेकिन उनको भी ऐसी चीज चाहिए जो वो टर्की में शूट करेंगे या दुबई में, जबरदस्त, हाँ लाइट मूड चीज हो, ऐसा ही पंजाबी वाला ह्यूमर हो, ऐसी ही सारी चीजें हो, एक फैमिली बाउंडिंग हो, सब कुछ एक फैमिली ड्रामा हो, राइट, तो वैसे ही उनको चाहिए। आपको लगता है सायमा जी कि अब 2021 में राइटर्स को वो रिकग्निशन और रिस्पेक्ट और वो मिल रहा है जो कि पहले शायद नहीं मिलता था, क्योंकि हम स्टार्स की बात करते थे कि एक ड्रामे में एक्टर्स कौन है, फिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने डायरेक्टर्स की बात होती थी, प्रोड्यूसर्स की बात होती थी, राइटर्स पे बहुत कम फोकस होता था। अब मुझे लगता है जैसे सबको इंटरेस्ट होता है कि लिखा किसने है। वो इसलिए कि उस दौर में जब हमारे वाला वो दौर था बचपन वाला, और उसमें सोशल मीडिया नहीं था ना, आप कनेक्ट नहीं करते थे अपने फेवरेट राइटर्स के साथ, और अब आप देखिए ना हर बंदा एक्टिव है इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो अब लोगों को पता चल गया है कि ये फलां जो है वो राइटर है, इसके पीछे फलां डायरेक्टर है, तो मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ गई है, तो इस वजह से लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया राइटर्स को भी। तो आपके अपने स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? बहुत मजे का, आप यकीन माने कि मैं आजकल पोस्टिंग है मेरी बॉयज कॉलेज में। अच्छा। आपको पता है कि बॉयज को फिर हैंडल करना, और ये हमें समझा जाता है कि लड़के नहीं देख रहे हैं ड्रामे। बहुत देखते हैं लड़के ड्रामास। वो मैं बताऊं कि मैं पढ़ाती हूँ प्री मेडिकल को, अब प्री मेडिकल के बच्चे माशाल्लाह एक मेरे पास पूरी खेप। पढ़ाती क्या है आप? मैं उर्दू लिटरेचर पढ़ाती हूँ, वैसे मैंने मीडिया साइंसेस में और उर्दू लिटरेचर दोनों में मास्टर्स किया हूँ।